नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एसईओ के थर्ड टाइप की, जो कि लोकल एसईओ है, और कैसे करते हैं। लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे इसको बिजनेस को अपने को लिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल रहेगा, थ्योरी भी रहेगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोकल एसईओ क्या होता है, ये एक एसईओ का टाइप है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। लोकल एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स योर बिजनेस बी मोर विजिबल इन लोकल सर्च रिजल्ट ऑन गूगल। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोकल एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्वीट शॉप है या फिर हमारा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और हमें लोगों को ये बताना है कि हम मार्केट में एग्जिस्ट हैं। तो वहाँ पे क्या रहेगा, हम गूगल माई बिजनेस पेज पे जाएंगे, गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर करेंगे। और ये जो रहेगा, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ हमारी जो बिजनेस है वो लोकल कस्टमर, लोकल ऑडियंस को ज़्यादा फोकस करती है। लोकल ऑडियंस को हमारी शॉप या ऑफिस के लिए विजिट डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। और लोकल एसईओ स्टैंड फॉर लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एज मैनी बिजनेस नो, attracting local customer can be key to success. And they are easier, therefore cheaper to reach. They are more loyal, which means repeat business. And they are likely to recommend to other local customer. इसका क्या मतलब है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इसमें कोई भी charges नहीं है, ये बहुत ही easier way है और बहुत ही cheapest way है जहाँ पर लोग आपको search कर सकते हैं Google पर nearby areas में। और यहाँ पे जो है, एक बार अगर सर्विस आपकी अच्छी लगेगी तो रिपीटेड कस्टमर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड दे आर लाइकली टू रिकमेंड टू अदर्स लोकल कस्टमर। जब ऑब्वियसली अगर आप हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा ऑडियंस जो रिपीटेड कस्टमर है तो वो रिकमेंड भी करेगा, सजेशन भी करेगा अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, अपने रिलेटिव्स को कि वहाँ पे अच्छा फूड मिलता है या फिर अच्छी वहाँ पे स्वीट्स मिलती हैं, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। तो लोग रिकमेंड भी करते हैं अगर हमारी सर्विसेज अच्छी रहती हैं। और ये आपके कस्टमर को फिजिकली विजिट करने के लिए डायरेक्शन दिखाता है, और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि लोकल एसईओ। हु नीड्स लोकल एसईओ, लोकल एसईओ की किसको ज़रूरत रहती है और लाइक किस बिजनेसेस के लिए ये पर्सपेक्टिव है। The quite simply, local SEO marketing is needed by any business with its physical location that customer visit. For example, bars, Lowe's office and grocery store. तो कोई भी business जिनका physical location है, जैसे यहाँ पे suppose कीजिए आपका grocery store है, तो लोग आपके grocery buy करने के लिए आपके store visit करेंगे। अगर किसी एडवोकेट का लॉ ऑफिस है तो वहाँ पे आपकी सर्विसेज के लिए पीपल जो हैं वो विजिट करते हैं। बार है तो वहाँ पे भी पीपल्स जो हैं विजिट करती है। और दूसरा है, एनी बिजनेस दैट सर्व्स डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हु डिलीवर। और एक स्पेसिफिक एरिया, ज्योग्राफिक एरिया, जो कि सपोज कीजिए एक रेस्टोरेंट है जो कि एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में फूड डिलीवर करता है, फूड देता है, तो वहाँ के रेस्टोरेंट में क्या रहता है कि नियर बाई पीपल ज़्यादा विजिट करते हैं। क्योंकि हम लोग जो फ़ोन में सर्च कर रहे हैं तो जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहाँ पे क्या है कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में हमको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखाएगा, तो वहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने 50 किलोमीटर दूर खाना खाने जाऊंगा, वैसा तो नहीं है। तो गूगल माई बिजनेस जो है वो लोकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। एनी बिजनेस दैट ट्रेवल्स टू देयर कस्टमर, फॉर एग्जांपल प्लम्बर एंड लॉक स्मिथ्स। और इसमें प्लम्बर्स भी आते हैं, लॉक स्मिथ्स जिन जो होते हैं वो भी आते हैं, विच इज़ नोन एज सर्विस एरिया बिजनेसेस। और इसमें हम इंडिविजुअल भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं नियर बाई जिस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में। तो उसे क्या है कि जिस किसी हाउस होल्ड में, घरों में जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे प्लम्बिंग की ज़रूरत है, तो वो प्लम्बर नियर मी करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको लीड्स मिलेंगी।
इसलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको एसईओ की ज़रूरत रहती है। बेनिफिट्स ऑफ लोकल एसईओ मार्केटिंग, इसका बेनिफिट्स क्या हैं लोकल एसईओ, अभी हमने देखा कि क्यों किस किस बिजनेस के लिए ज़रूरत है और क्या होता है, तो अभी बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। और एक्सिस रिसर्च फाउंड दैट 92% ऑफ कंज्यूमर ट्रेवल्ड जस्ट 20 मिनट्स और लेस टू परचेज देयर डे टू डे एसेंशियल्स। इससे क्या है कि ये एक रिसर्च की गई है कि 92% लोग जो हैं वो 10 से 20 मिनट के बीच में ही ट्रेवल कर सकते हैं अपनी डे टू डे एसेंशियल्स को बाय करने के लिए। अब आप अपने घर के आसपास ही ग्रोसरीज खरीदेंगे और अपने घर के आसपास ही आप वेजिटेबल्स बाय करेंगे, जो भी नीड्स हैं वो अपने घर के पास ही देखेंगे, जो पास वाला एरिया है, जो कोई भी है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जा रहे हैं किसी दूसरे सिटी में, कोई एक स्पेसिफिक काम होगा तो हम दूसरी सिटी में जा सकते हैं बाय करने के लिए, बट डे टू डे एसेंशियल जो हैं ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स हैं और भी कुछ ऐसे सामान हैं जिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो 10 से 20 मिनट के चक्कर में ही हम उनको ट्रैवल कर सकते हैं उनके लिए, उनको बाय करने के लिए। सर्च इंजन नोज दिस एंड सो अप्लाई अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लोकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स फॉर सर्च इंजन दैट कंटेन अ स्पेसिफिक लोकेशन सच एज टाउन, सिटी और जिप कोड। इसमें आप लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन सेट होती है, टाउन का नाम होता है, सिटी का नाम होता है, पिन कोड होता है, और इसमें सबसे जो मेन फोकस्ड है वो फ्रेज है नियर मी करके। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं जैसे स्वीट शॉप नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, अगर ये फ्रेज आप सर्च करते हैं तो आपके नियर बाई जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस एरिया हैं, जो शॉप्स हैं, बार्स हैं, ऑफिस हैं, वो आपको रिजल्ट दिखाएगा सर्च गूगल सर्च इंजन। एंड कैन बी टाइड विद अ GPS इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्मार्टफोन। ऑब्वियसली जब हमको लोकल एसईओ करेंगे तो गूगल हमको हमारे नियर बाई चीज़ दिखाएगा, नियर बाई सर्च क्वेरी जो हम कर रहे हैं, नियर बाई ऑफिस या फिर हमको स्टोर्स दिखाएगा, जो कि गूगल पे GPS इंफॉर्मेशन रहती है हमारे स्मार्टफोन्स में। हम सर्च करते हैं नियर मी और रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो चीज़ है, और इसलिए इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं क्योंकि हम नियर बाई अपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो भी चीज़ है हमारे पास नियर में, जो भी बिजनेसेस हैं उनको हम देख पाते हैं अच्छे से, और वहाँ पे हमने डे टू डे एसेंशियल बाय कर सकते हैं जो भी हमारी नीड्स हैं, और वहाँ जाके हम अपनी सर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए बाय कर सकते हैं। हाउ टू सेटअप अ गूगल माई बिजनेस, लोकल एसईओ करते कैसे हैं और गूगल माई बिजनेस पे अपना बेस कैसे लिस्ट करेंगे, किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। सेटअप न्यू गूगल अकाउंट, आपको एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना है और google.com/business पे जाना है, आपको URL टाइप करना है गूगल में, एंड बिजनेस का आपका जो भी बिजनेस नेम है वो रजिस्टर करना है, एंड देन आपको बिजनेस क्या है, अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे एंटर द एड्रेस ऑफ द बिजनेस लोकेशन, आपको बिजनेस का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको मेंशन करना है, एंड देन आपको स्पेसिफाइक सर्विस एरिया, आप किस एरिया में, कितने एरिया में, 10 किलोमीटर की रेंज में सर्विस देना चाहते हैं, 15 किलोमीटर की में देना चाहते हैं, 20 किलोमीटर में देना चाहते हैं, तो वो आप बिजनेस एरिया वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, बिजनेस कैटेगरी जैसे हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हम एजुकेशन सेक्टर सर्च करेंगे उधर, एजुकेशन एज अ कैटेगरी एजुकेशन, और अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट करके कैटेगरीज रहेंगी उधर, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर और वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। अगर आप फ़ोन कस्टमर्स को चाहते हैं कि कस्टमर्स आपको फ़ोन करें, आपका ऐसा बिजनेस है कोई आपको फ़ोन करके उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो फ़ोन भी आपको आएंगे उधर से, एंड वेबसाइट, आप अगर वेबसाइट पे विजिट कराना चाहते हैं, वेबसाइट पे क्लिक कराना, वेबसाइट दिखाना चाहते हैं लोकल ऑडियंस को, तो वहाँ पे आप वेबसाइट का URL पेस्ट कर सकते हैं।
देन कंप्लीट योर प्रोफाइल गूगल माय बिजनेस वेरिफिकेशन है। उसमें दो तीन तरीके से वेरिफिकेशन होता है। एक तो होता है कि जब आपकी कंपनी डिटेल्स फिल अप कर देंगे पूरा, उसके बाद आपको गूगल 12 डेज के अंदर एक पोस्ट कार्ड भेजेगा, उसके थ्रू वेरिफिकेशन करेगा, आपके उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया है गूगल माय बिजनेस में, और उसमें कोड रहेगा, वो कोड आप वहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास फ़ोन वेरिफिकेशन है, आपको कॉल मिलेगा जो नंबर आपने डाला है। एंड द थर्ड वेरिफिकेशन पॉलिसी ईमेल वेरिफिकेशन, वहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप गूगल माय बिजनेस पे लोकल एसईओ अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। जॉब है, ऑफिस है, कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे गूगल माय बिजनेस करते हैं, तो वो चेक करते हैं लोकल एसईओ कैसे करते हैं अपनी ऑफिस या फिर शॉप का, जिसपे अपने कस्टमर्स ऑडियंस को आप विजिट कराना चाहते हैं। तो गूगल पे टाइप करेंगे गूगल माई बिजनेस, और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है गूगल माई बिजनेस ड्राइव कस्टमर एंगेजमेंट ऑन गूगल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये गूगल माई बिजनेस का एक पेज ओपन हुआ बिजनेस प्रोफाइल करके, और यहाँ पे गूगल माई बिजनेस में जैसे आप कॉल का बटन यहाँ पर मिलेगा आपको, डायरेक्शन का मिलेगा, मैसेज आपको कोई भी ऑडियंस कर सकती है, वेबसाइट आपके विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। और देखिए गेट कस्टमर विद अ ग्रेट बिजनेस प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे सी कस्टमर हाउ कनेक्ट, आपके कितने क्लिक्स हैं, कॉल्स आपके पास कितने आए हैं, एक्टिविटीज़ जो आपकी रहेंगी आपके गूगल माई बिजनेस पर वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे बुकिंग कितना हुआ है, फॉलो कितना हुआ है, कितने फॉलो किए आपको, कितने वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे क्लिक किए गए हैं, और कितने कॉल्स बटन पे क्लिक किए गए हैं, कितना डायरेक्शन मैप पे आपको कितने लोगों ने सर्च किया है, तो वो सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट मैनेजिंग योर प्रोफाइल ऑन गूगल टूडे, तो यहाँ पे मैनेज नाउ पे क्लिक करेंगे, और मैनेज नाउ पे फाइंड योर बिजनेस, अगर आपका बिजनेस पहले से ही है तो यहाँ पे फाइंड कर देंगे, और अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड योर बिजनेस नेम, यहाँ पे बिजनेस टाइप करेंगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश, यहाँ पे टाइप करेंगे, और बिजनेस कैटेगरी में आप हमारा एजुकेशन है कि हम एजुकेशन सेंटर एजुकेशन कंसल्टेंट, देखिए यहाँ पे एजुकेशन, तो यहाँ पे हम एजुकेशन सेंटर या फिर कंसल्टेंट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपने कस्टमर्स को ऑफिस में या फिर स्टोर पे आप विजिट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस नो कर देंगे। जैसे अगर आपकी बार्बर शॉप है या फिर स्वीट शॉप है, तो ऑब्वियसली जब तक आपके ऑडियंस आपके पास नहीं आएंगे, आपकी शॉप पे नहीं आएंगे, तब तक वो बाय नहीं कर सकते आपकी सर्विसेज को, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपकी यहाँ पे देखिए एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलोर कर देते हैं, और फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई भी एक पिन कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे कर्नाटका ले लेते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे वेयर योर, अब देखिए यहाँ पे आपको वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, आपका जो बिजनेस का लोकेशन है वो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे, और डू यू प्रोवाइड डिलीवर और होम एंड ऑफिस विजिट्स, इस पर पूछ रहा है कि आप डिलीवरीज भी करते हैं, जैसे होम डिलीवरी करते हैं किसी चीज़ की, जैसे आपकी रेस्टोरेंट है, अगर आप फूड डिलीवर करते हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन सेंटर है तो हम तो विजिट कराना चाहते हैं तो नो करेंगे, इधर आप यस करते हैं अपने, और यहाँ पे अपना एक कोई भी वेबसाइट लिख देते हैं अगर आपका वेबसाइट है, और यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग विद देवेश,
com, यहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर और ये सब भी स्किप करना है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। और स्टे इन द नो, वन टू अपडेट रिकमेंडेशन गूगल ऑन योर बिजनेस ऑन गूगल। हम यहाँ पे रिकमेंड अगर कोई करता है तो गूगल अगर किसी को रिकमेंड करता है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक के लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नेम आएगा, पोस्ट कार्ड बाई ईमेल, आपको गूगल माई बिजनेस करके एक पोस्ट कार्ड मिलेगा गूगल की तरफ से। यहाँ पे आपको वो मेल आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे मेल कर सकते हैं और आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है पोस्ट कार्ड इट्स ऑन वे, तो यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड मिल जाएगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है और आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पे, जैसे अगर मैं स्वीट शॉप नियर मी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो आपका यहाँ पे लिस्ट होने लगेगा। 12 दिन के अंदर आपको एक ईमेल पोस्ट कार्ड मिलेगा गूगल की तरफ से 12 दिन के अंदर, उसको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको ये आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा। तो होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और